जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो है अपने सिस्टम में जो है ओपेरा ब्राउजर को डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपने जो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जैसे कि वेब सर्फिंग के लिए तो गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर आप जो भी मोजिला फायरफॉक्स जो भी यूज करते हैं, तो आप यदि नए सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप इसका यूज कर सकते हैं, ओपेरा ब्राउजर। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है ओपेरा। ओपेरा लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपेरा का जो है एक जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड द न्यू ओपेरा ब्राउजर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाने के बाद आपको जो इसकी सेटअप की exe फाइल जो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ कुकीज मिल जाएंगे, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा या फिर जो है मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड ओपेरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो ओपेरा डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। और इस डाउनलोडिंग को आप जो है यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, विंडोज जो भी आप सॉफ्टवेयर उसके यूज कर रहे हैं उसके डाउनलोड मैनेजर में आप जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है और यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा जो है डेटा का नहीं होता है, बस 2 से 3 MB का होगा। तो देखेंगे यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो गई है और यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये फाइलें जो थी 2.8 MB की थी, डाउनलोड हो गई। उसके बाद से जो है आपको सेटअप ओपेरा सेटअप पे आपको क्लिक कर देना है ब्लू लिंक पे। जैसे ही आप ओपेरा सेटअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ देर वेट करेंगे तो आपके सामने जो एक विंडोज आएगी, यस या नो का परमिशन आपसे पूछा जाएगा। और आप देख रहे होंगे इस तरह से विंडोज जो है आपके सामने आएगी, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। थोड़ा देर वेट करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ हेल्प मेक ओपेरा बेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो ओपेरा है उसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। और डाउनलोडिंग जो है आपके इंटरनेट पर निर्भर करेगा, इंटरनेट यदि आपका बेटर होगा तो डाउनलोडिंग बहुत जल्द हो जाएगी, यदि बेटर नहीं होगा थोड़ा समय लग सकता है, तो उसके लिए आप इंतज़ार कर लीजिएगा। और यदि हम तब तक जब तक ये डाउनलोड हो तब तक मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं इंस्टॉल कर पाते हैं तो आप जो है हमको ईमेल करें या फिर जो हमारे टेलीग्राम लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जो है जो भी आपकी समस्या होगी उसको सॉल्व करवा देंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो है डाउनलोडिंग शुरू हो जाने के बाद ये इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। और डाउनलोडिंग शुरू जैसे ही होगी ये कितना ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 110 या 20 MB का सॉफ्टवेयर है, इतना इसका आप स्टैंड एलोन जो है सेटअप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा, बट अभी इतना ही काफ़ी है। और इसको इंस्टॉलेशन इतना होने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और इसको आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं बस। और आप यहाँ पर देखेंगे ओपेरा जो इससे इंस्टॉल होगा उसके बाद से आपके सामने ऐसा ओपन होके आ जाएगा और इसको जो है आप आगे यूज कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।